तमाम अधिकारियों से बातचीत करी जो वित्त विभाग के थे, कॉपरेटिव थे, कृषि विभाग के थे और चीफ सेक्रेटरी। तमाम लोगों को मैंने निर्देश दिए हैं कि क्योंकि राहुल गांधी जी ने वादा किया था चुनाव कैंपेन के अंदर, जो हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे। और हमने मैनिफेस्टो में भी बात लिखी थी, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैंने कह दिया, आज ही आदेश निकाले आप कि तमाम जो कोऑपरेटिव बैंक के लोन हैं उन तमाम लोन को पिछली सरकार ने जिस प्रकार से वादा खिलाफी करी है कि एक तरफ का हम 50,000 तक के कर्जे माफ़ करेंगे और सिर्फ 2,000 करोड़ पैसा चुकाया है, जबकि 8,000 का भार आने वाला था हम लोग, तो 6,000 करोड़ से छोड़ दिया, हमारे ऊपर छोड़ दिया। तब भी हमने तमाम तय किया है कि 50,000 की बजाय समस्त लोन माफ़ करेंगे, कोऑपरेटिव जितने भी हमारे ऋणी हैं उन सबका समस्त लोन माफ़ होगा। और नंबर दो, जो बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक हैं या अन्य बैंक हैं या गवर्नमेंट बैंक हैं, उनमें जो हमारे किसान भाई तकलीफ में हैं, जो चुका नहीं पा रहे पैसा, आत्महत्याएँ करें राजस्थान जैसे प्रदेश में, जब आज तक कभी आत्महत्या नहीं हुई, पहली बार सुन रहे हैं कि राजस्थान में आत्महत्याएँ हो रही है। इसलिए हमने तय किया है कि उन लोगों को ऐसी नौबत नहीं आएगा आत्महत्या करनी पड़े, उन लोगों को 2,00,000 तक का, जो लोग पात्र होंगे, जो डिफॉल्टर हैं, जो पैसा भर नहीं पा रहे मजबूरी के कारण से, उनके लिए, उन लोगों के लिए 2,00,000 तक का सरकार उनका कर्जा माफ़ करेगी। सर कमर्शियल बैंक का होगा ये भी? कमर्शियल का भी होगा, जो नेशनल बैंक है कमर्शियल, राष्ट्रीयकृत बैंक है वो भी, और जो राष्ट्रीय बैंक नेशनल बैंक नहीं है वो भी, और ग्रामीण बैंक उनका भी, तीनों का जो है उनका भी 2,00,000 तक का कर्जा माफ होगा, जो पात्र होंगे उनको आधा बना करके, और जो डिफॉल्टर हैं वो भी 30/11/18 तक, मतलब चाहे कोऑपरेटिव बैंक के हों चाहे वो बैंकों के हों, उन तमाम लोगों का 30/11/18 तक जो डिफॉल्टर हैं उनका, और जो कोऑपरेटिव बैंक में सभी का कर्जा माफ होगा, सभी तरह का कर्जा माफ होगा 2,00,000 के अलावा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन बैंक में सभी तरह का कर्जा माफ होगा, और इनका जो होगा वो मैंने कहा आपको कि 2,00,000 तक का होगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, ये तमाम भार सरकार उठाएगी, और करीब 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा, 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा। सर एक ये भी स्पष्ट कर दीजिए, इसमें जो अल्प कोऑपरेटिव में अल्पकालीन है, कई जो लंबे अल्पकालीन के लिए हो रहा है, किसान जो फसली ऋण लेता है उसी को माफ़ किया जाता है, जो फसली ऋण लेता है वही कर्जे में दबा रहता है ना, वही है। अच्छा, उसके लिए माफ़ किया जाता है, ये फसली ऋण है, शॉर्ट टर्म लोन है वो माफ़ किया जाता है।